और इस रोबोट की खास बात है आप कुछ भी पूछिएगा और एक कुछ भी बताएगा, कुछ भी पूछेंगे कुछ भी बताएगा। ये सही से कोई भी क्वेश्चन एक कस्टमर को यहाँ पर सामान पहुंचाएगा और कस्टमर को ले जाएगा और देगा। सर को दीजिएगा सामान, देखिएगा अभी ये जाएगा सर को सामान देगा। सर सामान आ रहा है, आ जाओ रोबोट। क्या बात है, देख सकते हैं लिखा हुआ है रेस्टोरेंट वेटर और ये रेस्टोरेंट में ये वेटर का काम करता है। सर को दीजिएगा खाना, जो भी है वस्तु दीजिएगा। चाउमीन खाइए सर, चाउमीन खाइए। धनंजय सिंह कौन है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर में है और जौनपुर के लाल ने कमाल कर दिया है। जौनपुर में एक किसान के बेटे ने कमाल कर दिया है, किस तरह से एक गांव के लड़के ने एक साइंटिस्ट को भी फेल कर दिया है। आप देख सकते हैं गांव में पढ़ा लड़का किस तरह से रोबोट बना सकता है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गांव के लड़के ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिससे आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछिए, बहुत सारे काम भी करता है। इनके पास रेस्टोरेंट की दुकान है, उसमें भी तरह तरह के काम करता है। जैसे इनके पिता को बहुत परेशानी होती थी सामान ले आने सामान ले जाने पर, इनके पास वर्कर नहीं हुआ करते थे इसलिए बहुत परेशानी होती थी, इसलिए इन्होंने इस रोबोट को बना दिया है। देख सकते हैं किस तरह से गांव के लड़के ने कमाल कर दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकाश मौर्य है। कहाँ से आइडिया आया ये सब करने का? इसका आइडिया मुझे हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ हैं, अच्छी अच्छी रोबोटिक्स मूवीज़ हैं, तो वहाँ से मैं आइडिया ले लेता हूँ उसका। और इंटरनेट से इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पढ़ाई मैंने की और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे उनका मैंने स्टडी किया और फिर इस पर जो जुगाड़ है इंडिया का जो जुगाड़ है उसका मैंने यूज किया, जिसमें हमने वेस्ट मटेरियल का इसमें यूज कर दिया है। अच्छा, ये सब सारे वेस्ट से बने हुए हैं? हाँ, इसमें जो कुछ चीज़ें इसमें वेस्ट हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं। हाँ। और इसमें जो इसके सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक मेन पार्ट्स हैं वो सारे बस खरीदे गए हैं। ये कहा जाता है कि गांव के लड़के लड़कों के लिए इस तरह की चीजें बहुत ही मुश्किल होती है, फिर मतलब कि कहाँ से सामान जुटाया, कहाँ से पैसा जुटाया और ये सब सारी चीजें सीखी कहाँ से आपने? इसमें जो पैसा लगा ये कॉलेज से मुझे हेल्प मिली थी। अच्छा। और कॉलेज कुछ स्टूडेंट ने मेरी हेल्प की थी वहाँ पे। और इसमें जो ये सामान है इसके जो कंपोनेंट्स है वो सारे मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था। और इसमें जो ये जो सारे इसके स्ट्रक्चर बॉडीज़ हैं इसको मैंने जुगाड़ से, ये हमारा कार्टून है और हमारा टीन है, ये वायरिंग पट्टी है साइकिल की तीली, और इन सारी चीज़ों को मैंने मिला के इसको बनाया। इसमें नट बोल्ट्स पूरे वेल्डिंग करके पूरा इसको तैयार। अच्छा, ये रेस्टोरेंट सामान पहुंचाता है, एक बार चला के दिखाइएगा किस तरह से पहुंचाता। आप देखिएगा किस तरह से ये रोबोट आपको सामान देगा और पहुंचाएगा, देखिएगा किस तरह से, देखिए किस तरह से एक कस्टमर को यहाँ पर सामान पहुंचाएगा और कस्टमर को ले जाएगा और देगा। सर को दीजिएगा सामान, देखिएगा अभी ये जाएगा सर को सामान देगा। सर सामान आ रहा है, आ जाओ रोबोट। क्या बात है, देख सकते हैं लिखा हुआ है रेस्टोरेंट वेटर और ये रेस्टोरेंट में ये वेटर का काम करता है। सर को दीजिएगा खाना, जो भी है वस्तु दीजिएगा। चाउमीन खाइए सर, चाउमीन खाइए। कैसा लग रहा है रोबोट देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है। गांव के लड़के ने कमाल किया है, गांव के लड़कों पर कितना गर्व होता है? बहुत गर्व होता है। प्रतिभाएं गांव से ही निकलती हैं। प्रतिभाएं गांव से निकलती, देख सकते हैं सर किस तरह से कह रहे हैं, गांव से ही प्रतिभाएं निकलती हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरुण चौबे। प्रमोद जी, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इस गांव के किसान के लड़के को आपने इस तरीके से अपने चैनल में दिखा रहे हैं और गांव के लड़के ने वास्तव में कमाल किया है और ये आप एक बधाई के पात्र हैं जो आपने अपने चैनल में इस गांव के लड़के की खबर दिखाने के लिए आप यहाँ जौनपुर। गाँव में प्रतिभाएं बहुत होती है, गाँव के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, देख सकते हैं। और इस रोबोट की खास बात है आप कुछ भी पूछिएगा और एक कुछ भी बताएगा, कुछ भी पूछेंगे कुछ भी बताएगा। ये सही से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो बताएगा। ये सब पीछे क्या लगा हुआ थोड़ा बताएंगे? इसमें हमने यूज किया यहाँ पे आर्डिनो यूनो हमारा होता है, ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, ये मान सकते हैं हमारा रोबोट का जो ब्रेन है, इसमें सारे प्रोग्राम्स कोड्स इसमें मैंने अपलोड किया है और यहाँ पे 16 चैनल का मैंने कंट्रोलर यूज किया है और इन्हीं से ये पूरा हमारा कंट्रोल होता है। इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल है जिससे हमारा मोबाइल से ये कनेक्ट होके ये पूरा वर्क करता है और इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके तो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसी से ये पूरा इसका जो लॉजिक है वो पूरा बिल्ट होता है। अच्छा,
तो अभी इसमें और क्या क्या किया जा सकता है, इसमें माइंड में क्या है इसमें? इसका तो मैंने जो आर्म है अभी, तो मैंने इसको रोबोट वेटर के रूप में बनाया, तो इसका जो मैंने आर्म था, यहाँ पे आर्म लगे थे, अच्छा, तो वर्क करते थे पूरे, तो उसको मैंने निकाल दिया था क्योंकि हमको इसको यहाँ पे लगाना था, तो आर्म को मैंने निकाल दिया, इससे हमारा ये रोबोट वेटर का रूप ले लिया है। अगर हम इसका आर्म लगा दें तो हम इससे इसका जो जैसे हमारे ह्यूमन के हैंड होते हैं वो उस टाइप से पूरा वर्क करता था, किसी भी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाकर रखता था और आराम से एक रूम से दूसरे रूम सामान को ले जाता था। अच्छा, हम इससे कुछ भी सवाल अभी पूछेंगे, बताएगा? हाँ, इससे हम अभी कुछ कोई भी सवाल पूछेंगे वो बताएगा। टेल मी अबाउट जौनपुर। म्युनिसिपल बोर्ड इन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। धनंजय सिंह कौन है? Dhananjay Singh is an Indian politician who served as the MLA for Rari constituency, Jaunpur district in the Uttar Pradesh Legislative Assembly from 2002 to 2009 as an independent candidate. He was Member of Parliament, MP, in the 15th Lok Sabha from 2009 to 2014 as a Bahujan Samaj Party, BSP, member. देख सकते हैं ये रोबोट किस तरह से काम कर रहा है। इस रोबोट से आप कुछ भी पूछिए और कुछ भी जवाब देता है। ये एक किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है, किसी इसरो और नासा के वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है, बल्कि गांव के बच्चे ने कमाल किया है। क्या नाम हुआ बाबू? टिंकू चौहान। इसको देखने आए हो? यस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनोगे बड़े होकर? ऐसा ही रोबोट बनोगे? नहीं, रोबोट बनाएंगे। रोबोट बनाओगे? देखने आए थे? यस। हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। देख सकते हैं किस तरह से एक गांव के बच्चे ने कमाल किया है। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, गांव के बच्चे ने कमाल कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सराहनीय है और आगे इन फ्यूचर इसका जो है कम से कम अच्छा रहेगा और कम से कम स्टूडेंट के लिए और अच्छा रहेगा और आगे इनकी ख्यात जो है बढ़ेगी आगे। इस बच्चे को क्या सहायता दी जानी चाहिए, क्या कोई मांग की जानी चाहिए प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस बच्चे को मदद मुहैया कराया जाए जिससे और आगे बढ़ सके? नहीं, जिससे अभी इसको सबसे पहली बात तो आर्थिक मदद जरूरी है, उसके बाद जो है और आर्थिक मदद के साथ साथ जो इनको और भी जानकारी चाहिए उसके लिए इनके जो भी और डिपार्टमेंट के हेड हों, इनके प्रोफेसर हों, उनसे जो है आगे जो है मदद। देख सकते हैं और भी कई लोग आए हुए हैं रेस्टोरेंट में। सर, गाँव के छोटे से बच्चे ने कमाल किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी की बात है कि यह छोटा बच्चा रोबोट बना दिया। ये बड़ा होनहार लड़का है। क्या कहेंगे, आपने इसको चलाया? हाँ, हमने इसको चला करके देखा और ये बहुत अच्छी सर्विस कर रहा है। वाकई यह अद्भुत है कि इस जौनपुर के जमैथा गांव का ये बालक है और इतनी कम उम्र में इसने बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। और आप लोगों को, खास करके मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो इसके काम को आगे बढ़ाया है, लोगों जन जन तक आप ले गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि इसको, इसका उत्साह वर्धन के लिए जनप्रतिनिधि लोग आगे आएं और इसको सपोर्ट करें। हालांकि इसको जिला प्रशासन ने प्रदर्शनी के माध्यम से ये इसको प्रथम स्थान मिला है और ये, लेकिन ये है कि इसको और प्रशासन ने प्रथम स्थान के साथ साथ इसको 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। अच्छा। लेकिन जिस तरह से इस बच्चे के अंदर प्रतिभा है, इसको और भी मदद की जरूरत है। इसको और आर्थिक मदद की ज़रूरत है, वो चाहे जिला प्रशासन से हो, चाहे हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण हो, अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर यह बालक एक दिन जनपद का नाम ही नहीं, उत्तर प्रदेश का नाम, देश का नाम विदेश तक पहुंचा देगा। मुझे ये पूरा विश्वास है इसकी प्रतिभा को देखकर। देख सकते हैं किस तरह से गांव के एक छोटे से बच्चे ने कमाल किया है और इस बच्चे के कलाकारी से, रोबोट बनाने से बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान है कि मतलब कि एक छोटा से गांव का बच्चा किस तरह से इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, जौनपुर।